सभी को जय हिंद नमस्कार दोस्तों। फिल्म आदिपुरुष को लेकर बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और नेपाल ने क्यों बॉलीवुड को कर दिया है बैन दोस्तों, इससे पे आपको जरूर वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धन 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 करके सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आदिपुरुष फिल्म मेकर के पास जब इतना बजट था, इतना टाइम था कि उनके पास ये फिल्म में क्यों गलतियां हुई दोस्तों। जनवरी की जगह जून में फिल्म रिलीज किया, फिर भी इतनी गलतियां दोस्तों। जब ट्रेलर आदिपुरुष फिल्म मेकर ने निकाला तभी पब्लिक ने कहा था कि समझ जाओ, लेकिन ये नहीं समझे दोस्तों। टाइम जरूर लिया लेकिन फिर वही गलतियां करने लगे दोस्तों। जब हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण महाभारत जानता है, क्यों आदिपुरुष के फिल्म मेकरों ने रिसर्च नहीं किया, क्या इतिहास नहीं पढ़ा दोस्तों, आखिर किस तरह की आपने फिल्म बनाई है दोस्तों। लगातार सोशल मीडिया पर पुराने रामायण चलाए जा रहे हैं और उन्हें दिखाया जा रहा है कि देखो और सीखो, आपके रामायण में तो संस्कृत का वर्ड तक नहीं है, लेकिन आपने किस तरह की फिल्म बना दी है आदिपुरुष दोस्तों। जब एक हारी हुई टीम का समीकरण फैंस को लुभाने के लिए बनाया जाता है कि अगर ये टीम ये करती है, इतने रनों से जीतती है, इतने विकेट से जीती है, तभी आपकी टीम फाइनल में पहुंच पाएगी, उसी तरह आदिपुरुष फिल्म मेकर भी यही कर रहे हैं कि हम फिल्म में सुधार करेंगे, फिल्म को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अगर आप करते हैं तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब क्या पता आप कैसे ही फिल्म को करते हैं। अगर पीके फिल्म में भी पब्लिक ऐसे ही आवाज उठाई होती तो पीके फिल्म भी सुपर डुपर फ्लॉप होती, लेकिन पब्लिक ने उस समय इंजॉय किया पीके फिल्म को लेकर दोस्तों। और नेपाल ने भी अब बॉलीवुड को कर दिया है पूरी तरीके से बैन, यानी कि नेपाल तो बॉलीवुड की फिल्में देखने से बच गया है, लेकिन अब हमें तो फिल्म देखना ही पड़ेगा दोस्तों। अब नेपाल ने क्यों बॉलीवुड की फिल्मों को बैन किया? दरअसल आदिपुरुष फिल्म में भारत सीता माँ को भारत की बेटी कहा गया, बस उससे नेपाल भड़क गया और आग बबूला हो गया और कहा कि नेपाल ने कहा कि ये भारत की बेटी कैसे कह दिया, जबकि सीता माँ तो नेपाल की बेटी है, बॉलीवुड को कर दो बैन, बॉयकॉट। और नेपाल ने कर दिया बॉलीवुड को बैन 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 कहकर फिल्म अब नेपाल में नहीं होगी रिलीज, बॉलीवुड की कोई भी फिल्म दोस्तों। अब क्या फिल्म मेकर आदिपुरुष की फिल्म मेकर क्या फिल्म में ठीक करते हैं वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा, क्या फिर वो ऐसे ही टाइम लेकर टाइम बर्बाद करने वाले हैं। अब देखते हैं क्या ये आखिर ये फिल्म में ठीक करते हैं आप वाला भगत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, धम 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 करके सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आप ही का है। तब तक के लिए जय हिंद।